रेडी है रेडी में है ये 19-20 जनवरी का है। अच्छा 2023 में प्रस्ताव पारित होंगे। प्रस्ताव पारित जितने वहाँ किसान होंगे और वो सब वहाँ सही जाएगी और उच्च अधिकारियों को पहले करा दिया है कि 19-20 सितंबर में जितने पदाधिकारी हैं वो पदाधिकारी से मिलन करा जाएगा जिससे पदाधिकारी को अधिकारी पहचान करें। अलीगढ़ से कितने लोग जा रहे हैं दादा जी? अलीगढ़ से अनुमान से कम 400 लोगों का विचार है। 400 बजे तक तो अपने वाहनों से जा रहे हैं या बाइक? वाहनों से जा रहे हैं, कुछ रेल द्वारा जो जंगल एक्सप्रेस है उसके द्वारा जाएंगे। अच्छा तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय सौराजी भाटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। और आज जो है हमारे मुकेश नेता जी है। अच्छा। और महानगर अध्यक्ष है महिला महामंत्री मुकेश नेता जी है। और हमारी महानगर अध्यक्ष महिला चेयरमैन अवंती भारती। अच्छा अच्छा। इन्होंने इच्छा जाहिर की हम यहाँ आए और पत्रकार महोदय आपका बड़ा कोई बात नहीं ऐसे मतलब आप और जो विचार है इनके पूरे हमारे संगठन के अच्छे विचार हैं और उसके लिए हम तैयार हैं। चलिए और आगे भविष्य में कुछ करना चाह रहे हैं? नहीं पूरा उद्देश्य हमारा यही है जब देश आजाद कराया था लेकिन देश आजाद तो हो गया लेकिन हमारे किसान आजाद नहीं हो पाए। अब हमारे राष्ट्रीय देश और हमारी भारतीय लोकतंत्र का उद्देश्य है कि अब हमें किसान आजाद कराना। मुकेश जी आज जो है जिलाध्यक्ष जी आए हैं लोगों की धन्यवाद क्रांतिकारी खबर की मीडिया आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। आज हमारे जिलाध्यक्ष नगर पालिक जो की पूरे अलीगढ़ में भ्रमण किया है इन्होंने और किसानों को अलग जगाने का कार्य मेरी जब आप आइए और ये मिलते हुए आ रहे हैं 18 तारीख की रात को यहाँ से ट्रेन द्वारा हजारों की संख्या में जाएंगे क्योंकि इनकी जानकारी में जो आया है उन्होंने बताया जो लेके एक्सप्रेस आ रही है वो बुलंदशहर और ये आपकी कोचा होती हुई आएगी वहाँ से भी किसान आ रहे हैं। 19-20-21 का जो कार्यक्रम है किसान यूनियन का एक अपने में एहसास ही होगा जो होगा 3 बार साल में प्रोग्राम हुआ करते। अब ये प्रयाग में 19-20 को जो हो रहा है किसानों की जो समस्या है उनका निस्तारण किया जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी ने बताया 18 प्रतिशतों में ये पहुंच चुका है और लोकशक्ति या जो भी किसान यूनियन है किसानों के हित के लिए कार्य करती है। जय जवान जय किसान जिंदाबाद। जय हिंद। बहुत बहुत।